हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारे नोबिता सही में अनलकी है? जैसे कि तुम रोज ही सुनते होगे कि नोबिता रोते हुए डोरेमोन से बोलता है, डोरेमोन मैं बहुत ही अनलकी हूँ, मुझे एक गैजेट दे दो। आज हम नोबिता के जीवन की गहराई में झांक के देखेंगे और जानेंगे कि ये सब प्रवचन सत्य है या नहीं। सो फटाफट लाइक बटन दबा के रेडी हो जाओ वीडियो को एंजॉय करने के लिए, और अगर तुम नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो मगर प्यार से। सो इंट्रो को बढ़ाते ना हुए लेट्स स्टार्ट दिस धमाकेदार वीडियो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नोबिता हर बात पे रोता है और बोलता है, मैं दुनिया का सबसे अनलकी बच्चा हूँ, मगर क्यों? और इस बात को प्रूव करता है डोरेमोन का हर एक एपिसोड। नोबिता के साथ रोज ही होता है बहुत ही खतरनाक हादसा, जैसे कि सुबह लेट उठना, लेट स्कूल जाना, ज्ञान सुनियों से पिटाई खाना, फिर आंखों के सामने से सिजुका को डेगिसुकी के साथ चले जाते हुए देखना, घर आकर मॉम की डांट खाना, और आखिर में डोरेमोन के गैजेट लेकर खुद ही फंस जाना, फलाना ढिमकाना ताना नाना। अब अगर ये सब सुनकर तुम्हें भी करने का मन कर रहा है, या फिर तुम #बाबा ले भी चला नोबिता स्पैम करने के बारे में सोच रहे हो, तो रुको जरा, सबर करो। इस वीडियो में मैं ये प्रूफ करके रहूंगा कि नोबिता दुनिया का सबसे ज्यादा लकी बच्चा है, और ये सारे फालतू के कारण में उसका ढोंग है और कुछ नहीं। लेकिन भले भैया, मैं तो बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। तो प्रूफ नंबर वन है डोरेमोन। यस, पूरे दुनिया में सिर्फ नोबिता के पास ही डोरेमोन है ना, ये कमाल की लक की बात। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि इसमें लक की क्या बात है, बेचारे शिवासी को पॉकेट मनी नहीं मिलता था, और जब उसे पता चलता है कि ये सब किया धरा उसका दादाजी का है यानी नोबिता का है, तब उसने डोरेमोन को भेज दिया नोबिता के पास ताकि एक साथ दोनों की जिंदगी सुधर जाए। सिंपल। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचो, अगर शिवासी इतने गरीब होते हुए भी डोरेमोन को अफोर्ड कर पाता है, तो हमारे आमिरजादे सुनियो जिसके रिश्तेदार उसे कभी भी कुछ भी गिफ्ट देके चला जाता है, लाइक कोई उसे मूवी देखने के लिए टिकट देता है, तो कोई प्लेन का टिकट देता है, तो कोई उसे एक असली वाला प्लेन ही देता है और कहता है कि यला बेटे इसे लेके उड़ जा, कोई जरूरत नहीं तेरे को। वेल, जोक को साइड पर रखते हैं, तो हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सुनियो का पोता भी टाइम मशीन से उसके पास आ जाए और सुनियो को कोई फ्यूचर का गैजेट या फिर डोरेमोन से भी ज्यादा एडवांस रोबोट एक गिफ्ट के तौर पे उसे देके जाए और कहे, ओए दादाजी मैं हूँ आपका पोता जी, और ये लीजिए मेरे तरफ से न्यू ईयर का तोहफा। तो हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ नोबिता की लक। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड प्रूफ पे, डोरेमोन के मूवीज के इंटेंस मोमेंट पे। ऐसा कई बार होता है कि नोबिता का सारे दोस्त का हालत बहुत खराब हो जाता है, और नोबिता के पास डोरेमोन का जो गैजेट होता है उसका भी बैटरी खत्म हो जाता है, और तभी नोबिता के सामने आ जाता है उस मूवी का विलन, और तब हमें लगता है अब तो ये गया, बिल्कुल गया, नोबिता तो गया। लेकिन तभी हो जाता है मिरेकल और नोबिता अपनी लक की वजह से जीत जाता है। अब ये तो हुआ छोटे मोटे लक की बात, अब हम बात करेंगे नोबिता का सबसे बड़ा लकी मोमेंट्स के बारे में, जो कि है हर एग्जाम में जीरो लाना। अब तुम पूछोगे इसमें लक कहाँ है, यहाँ तो बैड लक है। तो नोबिता के क्वेश्चंस पेपर को जरा ध्यान से देखो, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस है कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ, यानी अगर कोई ऐसा भी आ जाए जिसने कभी भी जिंदगी में पढ़ाई ना किया हो और ऐसे इधर उधर टिक मार दे, तो उसका भी एक दो नंबर आ ही जाएगा। तुम भी ट्राई कर सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड होके इधर उधर टिक मारो, तुम्हें भी एक दो नंबर मिल जाएगा। वैसे एग्जाम हॉल में ऐसा मत करना, घर में ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा नंबर फेंकने वाला क्वेश्चंस पेपर में से भी नोबिता हमेशा क्लियर कट जीरो लेके आता है, अब है ना ये कमाल की लक की बात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या नोबिता सही में इतना ज्यादा बेवकूफ है जैसा कि एपिसोड में दिखाया जाता है? अगर नहीं है तो वो क्यों बेवकूफ बनने का नाटक करता है? और यहीं पे खुलता है नोबिता का जिंदगी का सबसे बड़ा राज। तो अगर तुम्हें इस राज के बारे में जानना है तो इस वीडियो को भर भर के प्यार दो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर तुम नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब करो रोड टू 50K। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, और आज के लिए बाय।